गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज प्रीवियस पीरियड में हमने एक्सरसाइज 8.2 की अप टू एक्सरसाइज 7 तक हमने सम्स सॉल्व किए थे। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज 8 से आगे बढ़ रहे हैं। अब एक्सरसाइज 8, 9, 10 वर्ड प्रॉब्लम की तरह है, तो जिसमें हमें परसेंटेज दिए हुए हैं और नंबर ऑफ पीपल हमें फाइंड करना है। तो पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 8 हमारा व्हाट प्रॉब्लम है इस तरह का। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी, मतलब टोटल वोटर्स थे, नंबर ऑफ वोटर्स थे 15,000, उसमें से 60% वोटेड, टोटल 100% होते हैं। ओके, उसमें से 60% लोगों ने वोट किया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स Who did not vote? तो कितने परसेंटेज वोटर्स ने वोटिंग नहीं की। एंड कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। और फिर हमें परसेंटेज में तो ढूंढना ही है कि कितने परसेंटेज लोगों ने वोटिंग नहीं की, बट वी हैव टू फाइंड ऑल्सो नंबर ऑफ पीपल। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल 100% वोटर्स। ओके, परसेंटेज टोटल 100 ही होते हैं। अब उसमें से 60% लोगों ने वोटिंग की, 60% वोटेड। देयरफॉर 100% माइनस 60% इज इक्वल टू 40% नॉट वोटेड। बराबर, एकदम इजी है कि अगर 60% लोगों ने वोटिंग की तो रिमेनिंग लोगों ने वोटिंग नहीं की, तो रिमेनिंग कितने रहे, 100 माइनस 60 किया तो 40% लोगों ने वोटिंग नहीं की। अब हमें आगे क्या कहा कि कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, मतलब वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पीपल कि टोटल जो 15,000 वोटर्स थे उसमें से 40% वोटर्स, मतलब कितने वोटर्स। तो इसका हम इस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे, 15,000 ऑफ 40%, इस तरह का हम स्टेटमेंट बनाएंगे। इस तरह के सम्स हम एक्सरसाइज 8.2 में भी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी परसेंटेज का सिंबल दिया हो तो वो सिंबल जब रिमूव होता है तो डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं, ऑफ के बदले हम मल्टीप्लाई लिखते हैं।
15,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100। जब भी मल्टीप्लाई की साइन निकलती है तो डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं। ओके, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, दो जीरो कट, 15 4 60 और 1 2 मतलब 6,000 वोटर्स, 6,000 वोटर्स है जिन्होंने वोटिंग नहीं की है। ओके, बहुत इजी है, प्रैक्टिकल की तरह ही सॉल्व है यहाँ पर, कि आउट ऑफ 15,000 वोटर्स मतलब टोटल थे 15,000 वोटर्स, उसमें से 60% वोटेड, 60% लोगों ने वोटिंग की, तो रिमेनिंग कितने परसेंट लोगों ने, कितने परसेंटेज वोटिंग नहीं की, तो टोटल 100% वोटर्स, 60% वोटेड, देयरफॉर 100% माइनस 60% इज इक्वल टू 40% नॉट वोटेड। अब परसेंटेज मिल गए, परसेंटेज के हमें नंबर ऑफ पीपल फाइंड करना है, तो हमें कितने वोटर्स दिए हैं यहाँ पर 15,000, तो हम इस तरह का स्टेटमेंट बनाएंगे, 15,000 ऑफ 40%, ऑफ के बदले हम लिखेंगे मल्टीप्लाई और 40 ऊपर लिखेंगे और परसेंटेज का सिंबल निकल जाएगा तो डिनोमिनेटर में हम 100 लिखेंगे और फिर हम कटिंग करेंगे, दो जीरो कट हो जाएंगे, 15 4 60 और 20 मतलब आंसर है 6,000 लोगों ने वोटिंग नहीं की, नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट दे आर 6,000। ओके, नाउ एक्सरसाइज 9। एक्सरसाइज नंबर 9, मीता सेव्स रुपीज 4,000 फ्रॉम हर सैलरी। ओके, मीता अपनी सैलरी में से 4,000 रुपये बचाती है। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, ये 4,000 रुपये उसकी सैलरी के 10% है, तो वॉट इज हर सैलरी, उसकी टोटल सैलरी कितनी है जिसमें से वो 10% सेव करती है, तो 10% के अकॉर्डिंग हो जाए ₹4,000। तो यहाँ पर हमें मीता की टोटल सैलरी फाइंड करनी है। ओके, तो हम इसमें इस तरह का स्टेटमेंट बनाएंगे, ₹4,000 ऑफ 10%। ओके, बहुत इजी है, क्वेश्चन में से ही हम स्टेटमेंट बनाते हैं, ₹4,000 ऑफ 10%। अब इसके पहले जो सम सॉल्व किया उसी तरह ये स्टेटमेंट के सम्स, हमने इसी तरह के सम्स भी सॉल्व किए हुए हैं, ये तो हमें वर्ड प्रॉब्लम में से हमने बनाया। ओके, तो अब इस तरह का सॉल्यूशन हमें एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए, 4,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, परसेंटेज का सिंबल निकल जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। अब 0 0 0 0 कट, 4 1 4 1 2। ओके, तो क्या आंसर आया हमारा, एक मिनट, हमने कुछ मिस्टेक कर दी कि वो 10% सैलरी उसकी है इतनी, तो आंसर तो ये नहीं है हमारा। देखो, मीता सेल्स 4,000 फ्रॉम हर सैलरी,
उसकी टोटल सैलरी में से वो 4,000 रुपये बचाती है, ओके। और ये है 10%, तो हम इस तरह से अगर ढूंढेंगे तो ये आएगा उसका 10%, उसकी सैलरी कितनी है। हाँ ओके, बराबर था हमारा। ₹400 कितना है, ये तो 10% है, तो बाकी के 90% फाइंड करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कितने करेंगे, हम 10 करेंगे, ओके। तो उसकी टोटल सैलरी होगी 40,000 रुपीज, जिसमें से वो 10% सेव करती है, ठीक है। हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो 10% सेव करती है, तो ₹4,000 ऑफ 10%, तो 00 कट 40 × 400, जिसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये तो 10% सैलरी ही है, हमें उसकी टोटल सैलरी फाइंड करनी है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो हमारा आंसर आया 40,000, ओके। 40,000 सैलरी में से वो 4,000 सैलरी हर महीने डिपॉजिट मतलब सेव करती है, तो उसकी टोटल सैलरी होगी 40,000, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 10। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, अ लोकल क्रिकेट टीम प्ले 20 मैचेस, टोटल कितनी मैच प्ले की, 20 इन वन सीजन, एक सीजन में 20 मैचेस खेले वो, इट वन 25% ऑफ देम, और जो 20 मैचेस खेले उसमें से 25% मैच वो जीत गए हैं। हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, we have to find number of matches they win, तो इसका हम स्टेटमेंट इस तरह से बनाएंगे, 20 of 25%, ओके, 20 × 25 / 100, 00 कट, 2 × 5 = 10 and 5 × 5 = 25, का आंसर आया 5 matches they won, टोटल 20 में से 5 मैच वो जीते थे, ओके। फिर से पूरा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन, एक सीजन में 20 मैचेस खेले, इट वॉन 25 ऑफ देम, और उसमें से 25% मैचेस वो जीते थे, हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो कितने मैच वो जीते, तो हम इसका इस तरह का स्टेटमेंट बनाएंगे कि 20 of 25%, परसेंटेज का सिंबल निकल जाएगा और डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, 20 × 25 / 100, 00 कट,
टू फाइव जा टेन एंड फाइव फाइव जा 25। ओके तो आंसर आया 5। तो क्या आंसर क्या फाइंड करना था, हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो आंसर का 5 मैचेस डिड दे विन। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होता है। अब हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 जिसमें हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताया हुआ है। ओके तो पहले हम वो समझ लेंगे कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। तो मैं आपको उसके लिए थोड़े फॉर्मूलाज भी लिखवा दूंगी। CP SP। ओके CP मतलब कॉस्ट प्राइस। हम कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो वो होता है वो चीज़ की कॉस्ट प्राइस। CP का फुल फॉर्म है कॉस्ट प्राइस। SP सेलिंग प्राइस, जब हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं बेचते हैं तो उसको उसकी SP कहते हैं, जिसे सेल प्राइस। ओके अब एकदम सिंपल है ये, प्रैक्टिकल समझेंगे। आपने 10 रुपये की चीज़ ली, 15 रुपये में बेची, तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो आप तुरंत बोलोगे विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला कि 10 रुपये में कोई चीज़ हम खरीदी और 15 रुपये में बेची तो हमें 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, और 10 रुपीज़ की कोई चीज़ परचेस करके हम उसको 5 रुपीज़ में बेचते हैं तो हमें 5 रुपीज़ लॉस हुआ। ओके तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, CP इज मोर देन SP तो क्या होगा लॉस। CP या तो देखो ऐसे भी मैं आपको बता दूँ, CP ग्रेटर देन SP, CP लेस देन SP, CP अगर SP से बड़ी है तो होगा लॉस, और CP अगर SP से छोटी है तो होगा प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से मोर है तो लॉस होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से लेस है तो हमें प्रॉफिट होगा। इन शॉर्ट हमारी SP याद रखो, सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से छोटी है तो होगा लॉस। अभी हम सब सॉल्व करते जाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1 हम करेंगे अभी। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें यहाँ CP और SP दी हुई है कि फर्स्ट नंबर है गार्डनिंग शेयर्स
क्वेश्चन दिया है कि गार्डनिंग शेयर्स रॉट 4 रुपीज 250 एंड सॉल्ड 4 रुपीज 325। ओके, 250 इसकी कॉस्ट प्राइस है और 325 इसकी सेलिंग प्राइस है। तो सबसे पहले हमें सीपी और एसपी इधर लिख ही देने का, क्वेश्चन में से ये दो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमें लिख देने की, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, चीज परचेज की कितने रुपीस में, रुपीस 250, और एसपी मतलब सेल की रुपीस 325। अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे, एसपी इज मोर देन सीपी सो प्रॉफिट। ओके, एसपी अगर मोर है तो प्रॉफिट होता है, एसपी अगर लेस है तो लॉस होता है। एसपी इज मोर देन सीपी, एसपी को हम किससे कंपेयर करेंगे, ऑलवेज सीपी से, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ओके, अब प्रॉफिट की फॉर्मूला लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी, याद रखो प्रॉफिट की फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी, और लॉस की फॉर्मूला इससे ऑपोजिट सीपी माइनस एसपी। यहाँ पर हमें जो भी होता है, प्रॉफिट होता है लॉस होता है, उसकी फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ओके, फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लें कि गार्डनिंग शेयर्स ब्रॉट फॉर रुपीज 250, ब्रॉट मतलब परचेस किया, खरीदा, तो वो हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। तो हमने यहाँ पर लिखा सीपी इज इक्वल टू रुपीज 250 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 325, सोल्ड कर दिया, बेच दिया, तो कितना वो हो गया उसकी एसपी, एसपी है रुपीज 325। ओके, अब ये है सीपी और ये है एसपी, ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि एसपी यहाँ पर जो है, एसपी इज मोर देन सीपी, कोई भी चीज़ जो बेची तो वो उसकी सेलिंग प्राइस उसकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर हमने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और 15 रुपये में बेची तो हमें 5 रुपीस प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि एसपी है 15 रुपीस और सीपी है 10 रुपीस, तो एसपी इज मोर देन सीपी सो प्रॉफिट। इधर हमें सीपी और एसपी को हम कंपेयर करेंगे और लिखेंगे एसपी इज मोर देन सीपी सो प्रॉफिट। प्रॉफिट की फॉर्मूला हम लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब एसपी कितना है, रुपीज 325 माइनस सीपी कितनी है 250। ओके, माइनस कर देंगे, ₹75 प्रॉफिट हुआ। ओके, 250 में खरीदे, 325 में वो शेयर को बेच दिए, सोल्ड कर दिए, तो 75 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। तो अब हमें आगे क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पर प्रॉफिट मिला है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। अब हम उसकी फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट सीपी अपॉन प्रॉफिट, हमेशा सीपी पर ही ढूंढा जाता है, हाँ बराबर ही लिखा था हमने, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ये प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला है कि प्रॉफिट परसेंटेज, मैंने यहाँ लिखने के पहले परसेंटेज का सिंबल कर दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जो हमने चीज़ खरीदी उसको हम सीपी कहते हैं, और यहाँ पर 100 ही आएगा। अब अगर हमें लॉस परसेंटेज फाइंड करने हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इधर प्रॉफिट के बजाय लॉस लिख देंगे, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, वो भी बहुत ईजी है। अब प्रॉफिट कितना हुआ, 75, सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 250 मल्टीप्लाई बाय
100। देखो कटिंग करने का आपको बार बार आता ही रहेगा, आपको कटिंग आनी ही चाहिए और इसके लिए आपके टेबल में फ्लुएंसी होनी चाहिए। 0 0 कट हो गया। ओके अब ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 2 जा 5 5 जा। अब 5 के टेबल में 75 कब आता है? 15। ओके 15 फाइजा 75 और 15 2 जा 30%। ओके फिर से हम पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉरेन ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब व्यवहार बोलते हैं, कोई चीज खरीदो बेचो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। अगर प्रॉफिट होता है तो लास्ट में हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं, अगर लॉस होता है तो लॉस परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में से सीपी और एसपी को लिख दिया। सीपी है ₹250 और एसपी है ₹325। अब हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें दिख रहा है कि एसपी इज मोर देन सीपी, सो प्रॉफिट प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। 325 माइनस 250 तो 75 रुपीस का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला लिखेंगे कि प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30%। ओके तो नेक्स्ट पीरियड में हम नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे, तब तक आप ये जो फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे से स्टडी कर लोगे। थैंक यू।